ओके फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने समस्त ओके परिवार का आज के दिन स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं बनारस से हूँ। 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, इससे पहले एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं वर्किंग में थी। ओके लाइफ केयर में 4 साल से मैं कमिटेड होके वर्क कर रही हूँ। अगर बात करें कमिटमेंट की, तो बिना कमिटमेंट के कोई भी काम करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, राइट? अभी जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पे आए, सबने कहा मैं कभी यहाँ था, मैं वहाँ पीछे बैठा था। हम सभी में एक कमिटमेंट थी। कमिटमेंट किस चीज़ के लिए? अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, है ना? और वो भी एक बार या लगातार, हमेशा, है ना? क्योंकि हमारे ड्रीम्स चेंज होते हैं कि आज हमें सैमसंग का फ़ोन मिल जाए, कल हमें आईफोन मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, है ना? ड्रीम्स और गोल्स हमारे हमेशा चेंज होते हैं, तो हमें रेगुलर कंसिस्टेंसी में उस चीज़ को कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें कमिटमेंट की, तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी फीमेल्स में कमिटमेंट की ना बहुत एक, मतलब उनके अगर कूट कूट के भरा होता है। एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी आप सभी को। जब एक लड़की की शादी नहीं हुई रहती है तो बहुत ना चल रहती है, खाना बना नहीं बना, किसने खाया नहीं खाया, पर जैसे उसकी शादी होती है उसकी सेल्फ एक कमिटमेंट हो जाती है कि इन लॉस से नहीं बन रहा है, फिर भी उन्हें उनकी टेक केयर करना है। अगर तबीयत खराब है फिर भी अपने बच्चों के लिए वो खाना बनाती हैं, अगर नींद आ रही होती है फिर भी अपने हस्बैंड को बिना डिनर कराए वो नहीं सोती हैं। बट अगर वो कमिटमेंट उनके अंदर क्या चल रहा था, कोई उन्हें रोज़ रोज़ याद दिलाता है क्या? नहीं, जिस दिन शादी होती है ना उसी दिन वो कमिटमेंट अपने आप से ले लेती है, और 24/7, मज़े की बात ये है, 24/7 वो कमिटमेंट पूरा कर रही होती हैं। बट अगर हम बात करें एक बिज़नेस की, जब एक बंदा, एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है तो उसकी कमिटमेंट किस चीज़ की होती है? ऑलमोस्ट जो यहाँ पे सक्सेस नहीं ले पाते हैं उनकी कमिटमेंट किस चीज़ से होती है? कुछ लीडर्स की, मैं कहूँगी सबकी नहीं, कि अगर सेटिंग मिल जाए तो मैं कमिटेड हो जाऊँगा, मुझे लेग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मतलब उनकी कमिटमेंट किससे होती है? सेटिंग से। पूछो सक्सेस क्यों नहीं हो पाए, अरे वो ना अप्लाई ना अच्छा नहीं था, या उन्होंने जो कमिटमेंट की ना, भाई तेरी कमिटमेंट किस चीज़ से? अपने गोल से, ड्रीम से या सेटिंग से? सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना स्टार्ट करिए, क्योंकि हर इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट करिए, अपने ड्रीम्स के लिए कमिटमेंट करिए। मेरे कमिटमेंट, मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स लगातार पूरे हो रहे हैं, हुए भी हैं। वो सिर्फ इसके पीछे सिर्फ मैं कारण नहीं हूँ, सिर्फ मेरा कमिटमेंट नहीं है, उसके पीछे कुछ बैकबोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरे मैनेजमेंट का थैंक्स कहना चाहूँगी, जो दिन एक रात करती है हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए। स्पेशल थैंक्स मैं शरीफ सर का कहना चाहूँगी कि ओके एकेडमी के थ्रू हम सभी को यूनिफॉर्म कर रहे हैं, एक लर्निंग प्रोसेस दे रहे हैं, तो मैं ज़ोरदार क्लैपिंग शरीफ सर के लिए चाहूँगी। किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट क्या होता है? उसके सोल की तरह होता है, उसके आत्मा की तरह होता है। इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट हमें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रीमियम ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर विक्रांत सर का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, प्लीज़ ज़ोरदार क्लैपिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी सिस्टम को प्योरिटी के साथ, इथिक्स के साथ हम लीडर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं अपने CEO DK सारस सर का थैंक्स कहना चाहूँगी कि हम लोग को इतनी अच्छी मेंटरशिप दी जिसके वजह से हम किसी कोने से यहाँ तक पहुँच पाए। हर इंसान पीछे बैठा था और धीरे 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 करके यहाँ तक पहुँच पाया है। एज अ फीमेल मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, यहाँ पे जो मेल पर्सन है प्लीज़ अपने ईगो मत हर्ट करिएगा, आपके जान पहचान में ज़रूर कोई फीमेल होगी, चाहे वो बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, बेटी हो, कोई भी हो। ये इंडस्ट्री में 65% फीमेल्स हैं, यस और नो? पक्की बात है, 65% फीमेल्स हैं। पर ओके लाइफ केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, इतने वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं कि हम फीमेल्स को मेल्स की तरह इक्वली पे आउट लेने का हक देती है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, उसके रेट और क्वालिटी।
तो सभी समस्त ओके परिवार से मैं निवेदन करती हूँ कि एक कमिटमेंट लीजिए, अपनी जितने भी फीमेल्स पार्टनर हैं उनके भी ये कमिटमेंट दीजिए और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेस्ट है और वो अर्न कर सकती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैं चाहूँगी यहाँ से जितने लोग जाएं अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए कमिटमेंट लेते हुए जाएं। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।